इन्फ्लेशन या महंगाई और कैसे रहे उससे आगे। चलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन है क्या। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप दूसरे शहर में हैं और वक्त पर घर पहुंचना चाहते हैं अपनी पत्नी के पास एनिवर्सरी मनाने के लिए। अगर आप 70 किलोमीटर प्रति घंटे की एवरेज स्पीड से गाड़ी चलाएं तो आपको घर पहुंचने में करीब 4 घंटे लगेंगे। पर अगर घर जाने वाली सड़क थोड़ी सी अलग किस्म की हो तो, मान लीजिए वो रोड किसी ट्रेडमिल की तरह है, आप जितना आगे की तरफ जाते हैं वो उतना ही लगातार पीछे की तरफ दौड़ती है। अब अगर रोड की पीछे दौड़ने की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की हो और आपको 4 घंटे में ही घर पहुंचना हो, तो या तो आपको गाड़ी तेज चलानी पड़ेगी या फिर पत्नी को सरप्राइज करने का मौका खोना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट की दुनिया भी इसी रोड और ट्रेडमिल का मिला जुला रूप है, पर कैसे? आपके इन्वेस्टमेंट्स को दौड़कर पूरा करना होता है वर्तमान स्थिति से लेकर मनचाही स्थिति तक का सफर। पर इस दौरान इन्वेस्टमेंट्स के नीचे का रास्ता एक ट्रेडमिल की तरह उल्टी दिशा में चलता है, यही ट्रेडमिल इन्फ्लेशन है। ट्रेडमिल पर दौड़ने वाले हर इंसान की तरह इन्वेस्टमेंट्स को भी ट्रेडमिल की रफ्तार से तेज दौड़ना पड़ता है या पीछे जाकर गोल से दूर होने का रिस्क लेना पड़ता है। इन्फ्लेशन समय समय पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों के सामान्य स्तर में होने वाले वृद्धि का नाम है, और जब सामान्य स्तर पर कीमतें बढ़ती हैं, तो वही पैसा पहले से कम सामान और सेवाएं खरीद पाता है, और आखिरकार यही पैसे की परचेजिंग पावर में कटौती दर्शाता है। अब आपकी बारी। मान लीजिए आज का रेट ऑफ इन्फ्लेशन 10% पर एनम है, मतलब ये कि जिस चीज को आप पिछले साल 10,000 रुपए में खरीद सकते थे वो इस साल थोड़ी महंगी मिलेगी। अब मान लीजिए कि आपने पिछले साल अपने पैसे खर्च करने की जगह किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दिए जहां से आपको 9% पर एनम का रिटर्न मिल रहा था, तो आज आपके 10,000 रुपए मैच्योर होकर 10,900 रुपए बन जाएंगे। पर इन्फ्लेशन के असर की वजह से आप अब भी पूरे 100 रुपए के घाटे में हैं। आपके साथ न जाने कितनी बार ऐसा हुआ होगा, पर हम में से ज्यादातर लोग इस पर गौर तक नहीं करते। हो सकता है आपको ये रकम बहुत बड़ी न लगे, पर अगर इन्वेस्टमेंट्स इन्फ्लेशन से तालमेल बनाने में लगातार असफल रहें, तो नतीजे बहुत भयानक हो सकते हैं। इसी रेट ऑफ इन्फ्लेशन और रेट ऑफ रिटर्न को मानकर चलें, तो अगले 10 साल में आपके पास सिर्फ 23,674 रुपए जमा हो पाएंगे, जबकि आपकी जरूरत होगी 25,937 रुपए की। यानी अब आपको हुआ पूरे 2,263 रुपए का घाटा। बदकिस्मती से वक्त के साथ ये फर्क बढ़ता ही जाएगा, जितनी रकम आपने इन्वेस्ट की है उससे भी कहीं ज्यादा, अब तो हद हो जाएगी। सोचिए, आपके इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स किराने के सामान की कीमतों का मुकाबला भी नहीं कर पाएंगे। शायद आप घबरा गए हों और सोच रहे हों कि कैसे बचा जा सकता है इन्फ्लेशन नाम की चीज से। क्या ये मुमकिन है? क्या आपको भविष्य में काम आने वाली चीजें अभी खरीद लेनी चाहिए ताकि बाद में उसके ज्यादा पैसे ना देने पड़े? बुरा आइडिया है। आप सिल्वर और गोल्ड तो खरीद कर रख सकते हैं, लेकिन खाना नहीं, ना ही हेल्थ केयर और ना ही एजुकेशन, क्योंकि इन्हें जमा नहीं किया जा सकता। सॉल्यूशन क्या है? तो सुनिए, वो है इन्वेस्टिंग। जाहिर है कि नहीं, पर यही सच है। लगातार और समझदारी से इन्वेस्ट करके आप इन्फ्लेशन से आगे रह सकते हैं। जरूरी बात है इन्वेस्टमेंट्स के रियल रिटर्न्स पर लगातार नजर बनाए रखना, जो इन्वेस्टमेंट्स के रिटर्न्स में से प्रिवेलिंग इन्फ्लेशन रेट को घटाने से मिलती है। परचेजिंग पावर की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए वक्त से पहले प्लान करें और उन एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करें जिनमें आगे चलकर हाई रेट्स ऑफ रियल रिटर्न मिलें। इन्फ्लेशन की वजह से गोल से समझौता न करें, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजी में इन्फ्लेशन की गुंजाइश भी रख लें। सोचिए कितना मजा आएगा कि ट्रेडमिल आपको कितना भी पीछे की तरफ खींचे, फिर भी आप एनिवर्सरी के लिए सही वक्त पर घर पहुंच जाएं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहे तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.